नमस्कार दोस्तों, एचआर रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ सोया चाप। सोया चाप कैसे बनती है। Hey guys, आज मैं सोया चाप की रेसिपी लेकर आ गई हूँ। सोया चाप बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी ये सोया के रेडीमेड पीसेस मार्केट से उठा लिए थे। अब मैंने इन्हें स्मॉल पीसेस के अंदर कट कर दिया है और साथ में ही मैंने इसका मैरिनेशन प्रिपेयर कर लिया है। मैरिनेशन बनाने के लिए मैंने 3 चम्मच दही, दही के अंदर थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और 2 चम्मच बेसन ऐड किया था। अब इस मैरिनेशन के अंदर मैं अपने सोया के पीसेस डाल के अच्छे से कोट करवा दूंगी। मैं इसे अच्छे से कोटिंग को मिक्स करवाऊंगी। मैं सारे पीसेस इसके अंदर मिक्स कर दूंगी और फिर इसे सेटल होने के लिए 1 घंटे फ्रिज में रख दूंगी। गाइस, मैंने मैरिनेटेड सोया चाप फ्रिज में से निकाल लिया है। अब मैं इसको हॉट ऑयल के अंदर डीप फ्राई करूंगी जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। गाइस, ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल रही हूँ। गाइस, सोया चाप फ्राई होकर एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसका ग्रेवी मिक्स तैयार करेंगे। ग्रेवी मिक्स तैयार करने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम कर लिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी हींग डालूंगी। हींग डालने के बाद मैं इसमें जीरा डालूंगी 1 चम्मच। अभी जीरा भुनने का मैं वेट करूंगी। गाइस, जीरा भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर ग्रीन चिलीज डालूंगी और साथ में रफली चॉप्ड अनियन ऐड कर देंगे। अनियन को हमें बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन करना है। साथ में मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इसके अंदर डाल रही हूँ अनियन के साथ, ये भी हो जाएगा। गाइस, अनियन थोड़े से पक चुके हैं। अब मैं इसके अंदर रफली चॉप्ड टोमेटोज ऐड कर रही हूँ। इन्हें भी हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा मशी करना है। टोमेटो को जल्दी पकाने के लिए मैं इसके अंदर आधा चम्मच नमक डालूंगी। इसकी ग्रेवी को थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं इसके अंदर चॉप्ड कैश्यूज डाल दूँ। मेरी सब्जी की क्वांटिटी थोड़ी कम है तो मैंने सिर्फ 5 कैश्यूज लिए हैं कट करके। आप भी 5 या 6 कैश्यूज ऐड कर सकते हो अपनी सब्जी के टेक्सचर को थोड़ा क्रीमी बनाने। गाइस देखो, टमाटो एकदम मशी हो चुके हैं। अब मैं इसे एक वाइड प्लेट के अंदर ट्रांसफर कर लूंगी और ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। गाइस, ये मशी वेजिटेबल्स ठंडी हो गई हैं। अब मैं इसको ग्राइंड करने के लिए मिक्सिंग जार में डाल रही हूँ। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी। गाइस, अब मैं ग्रेवी रेडी कर रही हूँ। ग्रेवी रेडी करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने कढ़ाई के अंदर ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद इसके अंदर मैं थोड़ी सी शुगर डालूंगी। गाइस, जो मेरा मिक्स था जिसे मैंने अभी ग्राइंड करा है वो मैंने इसके अंदर ट्रांसफर कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं अपने मिक्स के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, क्योंकि मैंने पहले भी ग्रेवी के अंदर सॉल्ट ऐड किया था, इसलिए मैं अभी थोड़ा कम सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ऑलरेडी मैं 4 ग्रीन चिलीज डाल चुकी हूँ, तो मैं थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर गरम मसाला डालूंगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर धनिया पाउडर ऐड करूंगी। 1/4 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करूंगी और अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दूंगी जस्ट फॉर द कलर। मेरा ग्रेवी मिक्स एकदम तैयार हो चुका है। देखिए कितना क्रीमी ये ग्रेवी बनी है, ये देखिए कितनी डेंस और कितनी क्रीमी है। ये पक के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर जो सोया चाप के पीसेस मैंने फ्राई करे थे मैरिनेट करके वो ऐड करने जा रही हूँ। अब मैं इसे इसके अंदर थोड़ी देर के लिए कुक होने के लिए छोड़ दूंगी ताकि सारा मसाला चॉपर के अंदर अच्छे से सीप इन कर जाए। गाइस, इस रेसिपी को थोड़ा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इसके अंदर 1 चम्मच मीट मसाला ऐड कर रही हूँ, जिससे ग्रेवी के अंदर एक अच्छा फ्लेवर आ जाए।
गाइज ये रेसिपी एकदम रेडी हो गई है। अब मैं इसे सर्व करने के लिए ट्रांसफर कर रही हूँ एक ग्लास बोल के अंदर। गाइज सोया चाप की रेसिपी एकदम रेडी है। देखिए ये कितनी फ्लेवरफुल, कितनी रिच सब्जी बनी है। आप इसे रोटी के साथ, प्लेन रोटी के साथ, तवा रोटी के साथ, रुमाली रोटी के साथ, किसी भी चीज के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप इसे रोटी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे प्लेन भी खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए।